बड़ी खबर आपको बता दूं कि रायपुर से आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने अपने दो विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल पार्टी से निष्कासित किए गए हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के वजह से पीसीसी ने बाहर किया है। कांग्रेस ने दो पूर्व विधायकों को बाहर किया है पार्टी से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से। बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल ये वही विधायक हैं जिन्होंने हार की वजहों को लेकर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और डिप्टी सीएम पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर सवाल या निशान खड़े किए थे, आरोप लगाए थे, हार की वजह बताई थी। और अब खबर ये आ रही है कि उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आज ही विनय जायसवाल के घर हुई थी पूर्व विधायकों की बैठक। 22 पूर्व विधायकों का टिकट कटने पर गुस्सा फूटा था। अब पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कांग्रेस ने दो पूर्व विधायकों को पार्टी से बाहर किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल पार्टी से निष्कासित किए गए हैं 6 साल के लिए। पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से उनको बाहर किया गया है। आज ही विनय जायसवाल के घर पर हुई थी विधायकों की पूर्व विधायकों की बैठक। 22 पूर्व विधायक को टिकट कटने पर यहाँ पर विधायकों का गुस्सा भी फूटा था। और अब खबर है कि पीसीसी ने दोनों पूर्व विधायकों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ये वही दो विधायक पूर्व विधायक हैं, बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल, जिन्होंने 2023 विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के सर पर फोड़ा था। और खबर यह है कि अब उनको पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल को पार्टी से निष्कासित किया गया है। बड़ी खबर, पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से पीसीसी ने बाहर का रास्ता दिखाया। तो 22 पूर्व विधायकों का टिकट कटने पर गुस्सा फूटा था। अब पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल को। विनय जायसवाल और बृहस्पति सिंह ने लगातार कुमारी शैलजा और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के खिलाफ बयान दिया था। और इस खबर पर हमारे साथ रायपुर से हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बात की जाए तो दो पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल ने 2023 के विधानसभा चुनाव की हार का ठीकरा पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के माथे लगाया था। अब खबर यह है कि दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है 6 साल के लिए। क्या कुछ जानकारी गौरव? निश्चित रूप से बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ा गाज गिरी है। कहीं ना कहीं 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया है। विनय जायसवाल के घर आज अब से कुछ देर पहले बैठक हुई थी। बैठक में दर्जन भर से अधिक पूर्व विधायक जुटे थे और हार को लेकर नाराजगी भी जताई थी। साथ ही साथ इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई थी कि 22 विधायकों की एक्स्ट्रा टिकट काट दी गई थी। तो उसके बाद में बड़ी कार्रवाई की गई है। बृहस्पति सिंह लगातार बयानबाजी कर रहे थे। बृहस्पति सिंह का जो पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को जिम्मेदार ठहरा था, तो पार्टी के खिलाफ बयानबाजी को कांग्रेस ने बेहद गंभीरता से लिया। कार्रवाई की गई है, 6 साल के लिए दोनों ही पूर्व विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं एक संदेश भी है उन पूर्व विधायकों के लिए, उन नेताओं के लिए जो लगातार पार्टी के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं, जो लगातार एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं। तो संदेश देने की कोशिश प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने की है। इसी क्रम में पीसीसी ने दो पूर्व विधायकों को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी गौरव, क्या माना जाए इस कार्यवाही से? क्या कांग्रेस पार्टी अनुशासन का संदेश देना चाहती है कि अनुशासन पार्टी के लिए सर्वोपरि है, जो अनुशासनहीनता करेगा उसको कोई कोताही नहीं बरती जाएगी पार्टी से बाहर निकालने में? पीसीसी चीफ दीपक बैज ने 2 दिन पहले ही कहा था कि पार्टी में बयानबाजी बर्दाश्त नहीं होगी, हार और जीत चलती रहती है, लेकिन बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। पार्टी के नेताओं को अनुशासन बरतने की, अनुशासन बनाए रखने की उन्होंने अपील भी की थी, सुझाव भी दिया था। चाहेंगे आप बने रहेंगे हमारे साथ? और इसी कड़ी में जो है पूर्व विधायक विनय जायसवाल जिन पर एक कार्रवाई हुई है वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जायसवाल जी, कैसे देखते हैं पीसीसी ने आपको एक फरमान जारी किया है 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्या आप इससे सहमत है कि कांग्रेस पार्टी ने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी, जो अभी इस चुनाव में जो करारी हार हुई है, और इस करारी हार के जो प्रमुख जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने रणनीति बनाई थी, जिन लोगों ने टिकटों का वितरण किया था, जिन लोगों ने नजायज पैसों की मांग की थी, और
इन बातों को जब हम सार्वजनिक फोरम में लेके आए हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई ना करके जो छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस के दुर्गति के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना करके उनके ऊपर कोई नोटिस ना दे करके माननीय टीएस सिंहदेव जी जो लगातार कांग्रेस पार्टी को पिछले 5 सालों में कमजोर करने का काम किए, लगातार इनके बयानबाजी से लगातार कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई, केवल और केवल इनको ही फिर से मजबूत करने के लिए पार्टी ने जो भी पहले शो कॉज नोटिस दिया, शो कॉज नोटिस का हम लोगों ने जवाब दिया, इसके बाद आज पार्टी से जो निष्कासित करने का जो फरमान जारी हुआ, निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक पार्टी जिसको हम बोलते हैं, जिसके आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, उसमें ऐसे जो घुसपैठिए हैं, जो नेता जिस तरह से जिनकी वजह से जो पार्टी को बड़ी हार मिली है, तो ये निष्कासन भी एक प्रकार से इन जो इगोस्टिक और जो तानाशाही और जो राजशाही प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनकी ये बड़ी जीत के रूप में मैं बोलूंगा कि उनकी ये बड़ी जीत हुई है। और निश्चित रूप से जिस तरह से एक पूर्व मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी जी जो लगातार ये ठेका लेके रखे थे कि कांग्रेस की सरकार को हम यहाँ नहीं आने देंगे, उसी प्रकार से ये जो तानाशाही रवैये के जो नेता हैं, जो 14-0 सरगुजा में और पूरे प्रदेश में जिनके कारण जो सरकार की जो दुर्गति हुई है, ये कसम खा लिए हैं कि आगामी जो 15-20 साल तक है कांग्रेस की सरकार को हम छत्तीसगढ़ में नहीं आने देंगे। आप मानते हैं कि मुखर के आपने अपने अपनी बात जो है पार्टी फोरम में रखी है, पार्टी के वरिष्ठ आलाकमान को अवगत कराया है, तो इसका खामियाजा ये सिला ये मिला है आपको, ये समझेंगे आप? निश्चित रूप से मैंने तो डेट टाइम और कमरा नंबर तक बताया था जिसमें पैसे की उगाही की गई थी, उनके ऊपर संज्ञान न लेके निश्चित रूप से जो निष्कासन जो मेरे लिए किया गया है, इससे यही साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। आलाकमान को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, आलाकमान के आंख में लगातार जो धूल झोंकने का काम, पर्दा डालने का काम जो नेतागण करते हैं, और उसका बड़ा खामियाजा हुआ है, बड़ा खामियाजा हुआ है जो आप देख रहे हैं। और निश्चित रूप से पार्टी की निष्कासन से कोई मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मेरे राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा, वो बात नहीं है। बात यह है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी है, आप देखिए कि पूरे 3 प्रदेश में किस तरह से उन्होंने नेतृत्व को दिया है, किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जो नए लोगों को, ऊर्जावान लोगों को आज मौका दिया है, उसी तरीके से आज कांग्रेस पार्टी में आप देखिए कि वही जो पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर में पूरा षडयंत्र जो कर दिया है, आज उन्हीं की फिर से तूती बोल रही है। तो निश्चित रूप से ये जिस प्रकार बचाने के चक्कर में छोटी मछलियों पर कार्रवाई की गई है, ये माना जाए इस कार्रवाई से? आप देखिए, बड़ी मछली और छोटी मछली की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जो भी रणनीतिकार थे जिनके कारण बड़ी हार कांग्रेस की हुई है छत्तीसगढ़ में, और उनके ऊपर सवाल उठाए गए हैं, उनके ऊपर समीक्षा ना करके इस तरह से क्रश करके ये सोचा जा रहा है कि हम और लोगों को डरा लेंगे, और जो लोगों से पैसे की उगाही हुई है, जिनके साथ कुठाराघात हुआ है, जिस प्रकार से टिकटों का वितरण हुआ है, तो और बाकी लोग डरेंगे और ये काम नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आने वाले समय में आप देखिएगा ये इन नेताओं के रहते बड़ी दुर्गति जो है वो पार्टी की होगी। विनय जी, लेकिन अगला डिसीजन क्या होगा आपका? आप पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया, आप बाहर का रास्ता दिखाया गया है, अब क्या कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे या फिर आप जो बात किया है किसी दूसरे दल की खोज में रहेंगे? क्या माना, क्या अगला स्टंट क्या होगा आपका? देखिए, एक चिकित्सक से जब एक राजनीति में काम करने का जब अवसर मिला और एक पार्टी के साथ जुड़ के, पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ के हम लोगों ने जनता की सेवा की, तो जनता की सेवा करने के लिए किसी पार्टी के पद में रहना जी, या किसी पार्टी में रहना वो आवश्यक नहीं है। जनता की सेवा निरंतर करते रहेंगे, जनता ने जो प्यार, जो मोहब्बत, जो स्नेह दिया है, उसके साथ लगातार हम उनके इश्यूज को, उनके जो मुद्दे हैं उनको उठाते रहेंगे, और आगे आने वाले समय में सब साथियों के साथ बैठ के मिलके निर्णय करेंगे कि क्या करना है। चलिए विनय जी, देखना होगा कि आगे आपकी क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटजी होगी जो आप प्रदेश की सेवा करेंगे जैसा कि आप कह रहे हैं। फिलहाल के लिए चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जायसवाल जी आपका।
और लगातार जो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव शर्मा बने हुए हैं। गौरव, यहां पर आपने सुना है विनय जायसवाल को, उन्होंने कहा है कि बड़े नेताओं ने अपनी कारगुजारी को, अपनी करतूती को छुपाने के लिए जो छोटे कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है, और आगे से कोई भी विधायक या पूर्व विधायक इस तरह से मुखर होकर अपनी बात को, अपने दिल की जो व्यथा है उसको बयान न कर, इसलिए कार्रवाई की गई है। क्या कहेंगे, वास्तव में कांग्रेस पार्टी ने जो कार्रवाई की है इसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को छुपाने के लिए की गई है, या फिर इस तरह से पार्टी विरोधी जो गतिविधियां करते आए हैं विनय जायसवाल, या बयान जो देते रहे हैं जिस तरीके से जो पार्टी मान रही है, इसके खिलाफ पार्टी ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है, कैसे देखेंगे दोनों चीजों को? गौरव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अधिकारी बयान न दे, ना किसी के समर्थन में, ना किसी के विरोध में कोई बयानबाजी न दे करे, इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था। लेकिन ये लगातार देखा जा रहा था कि उनके बात को कहने के बाद भी चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे विधायक हो या पदाधिकारी हो, लगातार बयान, पार्टी में बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी नेता के खिलाफ कोई भी पदाधिकारी बयान न दे, ना किसी के समर्थन में, ना किसी के विरोध में कोई बयानबाजी न दे करे, इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था। लेकिन ये लगातार देखा जा रहा था कि उनके इस बात को कहने के बाद भी चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे विधायक हो या पदाधिकारी हो, लगातार बयानबाजी कर रहे थे, लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जा रहे थे। तो इसके बाद में आज कार्रवाई किए, और कार्रवाई करके इस बात का संदेश देने की कोशिश की गई है कि पार्टी में चाहे बड़े नेता हो, चाहे छोटे नेता हो, बृहस्पत सिंह 4 बार के विधायक है, बेहद वरिष्ठ नेता है, और रामानुजगंज में उनकी अच्छी पैठ भी मानी जाती है, आदिवासी समाज में भी सरगुजा में काफी पैठ मानी जाती है। लेकिन उसके बाद भी उन्हें अगर पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया, तो ये इस बात का संदेश है कि आने वाले समय में भी अगर कोई पार्टी के खिलाफ जाएगा, पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करेगा, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश अन्य पूर्व विधायक हो, विधायक हो, पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, उन्हें ये बताने के लिए किया गया है। और यही वजह है कि आज ही जो बैठक हुई थी पूर्व विधायकों की, उसके कुछ घंटे बाद ही, उसके कुछ घंटे के भीतर ही बड़ी कार्रवाई की है कांग्रेस ने, और 2 पूर्व विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। गौरव, क्या माना जाए, पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव की हार को बहुत सोच समझकर एनालिसिस कर रही है, और 2024 की तैयारियों को लेकर जो है अभी से जुट गई है, और ये जो कार्रवाई की गई है, क्या माना जाए कि 2024 में कोई ऐसी गलती ना हो या पूर्व विधायक के विधायकों की बयानबाजी? चलिए गौरव, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2 पूर्व विधायकों पर यहां पर कार्रवाई की गई है, उनको 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो ये वो पत्र है, ये वो आदेश है, जहां पर दोनों पूर्व विधायकों को 6 साल के लिए पीसीसी ने बाहर का रास्ता दिखाया है।